अस्थमा क्या है? अस्थमा सांस की तकलीफ है, अस्थमा फेफड़ों का संक्रमण है, अस्थमा के अंदर व्यक्ति को सांस फूलने की समस्या होने लगती है, वह इनहेलर का प्रयोग करने लगता है। यह होता है सांस फूलने की समस्या को अस्थमा बोलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सांस चढ़ने के साथ में ही शरीर के अंदर काफी ज्यादा कमजोरी आ रही है और वो इनहेलर का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनका अस्थमा बिगड़ा हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति या बच्चे को अस्थमा की दिक्कत हो रही है तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है और सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। आज के इस वीडियो के अंदर भी हम यही जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सांस की तकलीफ है, फेफड़ों का संक्रमण है या बहुत ही ज्यादा आपको अस्थमा हो चुका है, आप बहुत ज्यादा इलाज करवा चुके हैं, तो आज के उपायों को करके देखिए, आपको 100% आराम मिलेगा। सबसे पहले बात की जाए कि अस्थमा की दिक्कत होती क्यों है। सांस जो फूलती है वह बिल्कुल मामूली सी समस्या लगती है, लेकिन ये गंभीर रूप जब बदलती है तो दमा में बदलने लगती है। तो इसके सबसे प्रमुख कारण होते हैं कि किसी व्यक्ति को बचपन में अगर निमोनिया होता है, निमोनिया का मतलब यह होता है कि अगर उसे बुखार भी आया है कि फेफड़ों के अंदर पानी भरने लगा है, कफ जमा होने लगा है और फिर निमोनिया का संक्रमण हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को बड़े होने के बाद में अस्थमा की दिक्कत सबसे ज्यादा परेशान करती है, उनको फिर ये अस्थमा हो जाता है। अगर किसी को एलर्जी होती है, जैसे खाना खाने से एलर्जी हो सकती है, धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो सकती है, तो सबसे पहले क्या होएगा, सर्दी जुकाम होएगा। और यही सर्दी जुकाम पर ध्यान न दिया जाए तो ये सर्दी जुकाम बिगड़ने पर अस्थमा होने लगता है। अगर तीनों दोषों के अंदर में से किसी भी व्यक्ति का कफ दोष असंतुलित होता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी अस्थमा की दिक्कत होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति का पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है तो हम सब जानते हैं कि कई तरह के रोग होने लगते हैं। इसी तरह से अगर पाचन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो शरीर के तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं और फिर कफ दोष ज्यादा बिगड़ने के कारण आपको अस्थमा की दिक्कत होने लगेगी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो बिल्कुल मामूली से होते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आपका काफी पुराने समय से भी अस्थमा है तो मैं जो आज आपको रेमेडी बताऊंगी वह मौसम के अकॉर्डिंग बताऊंगी। जैसे आपको बारिश के दौरान में कौन से उपाय करते रहना चाहिए, अगर आपको सर्दी का मौसम है और अस्थमा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो कौन सी रेमेडी अप्लाई करनी चाहिए, और अगर गर्मी का मौसम है तो कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। अगर अस्थमा होता है तो कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देंगे, जैसे सीना बहुत ज्यादा भारी महसूस होएगा, पीठ में दर्द महसूस होएगा, शरीर पूरा भारी भारी सा रहेगा, मोटापा तो बढ़ने लग जाएगा लेकिन शरीर के अंदर कमजोरी आने लग जाएगी। कई व्यक्तियों का ऐसा होएगा कि सांस लेंगे तो आसपास जो कोई व्यक्ति बैठा होता है उसको सांस लेने की आवाज आएगी, या फिर आपके लंग्स के अंदर काफी ज्यादा कफ बलगम जमा होने लग जाएगा, खांसी के साथ में बलगम गिरने लग जाएगा, बार बार सर्दी जुकाम का संक्रमण लगेगा, या फिर आप थोड़ा सा भी काम नहीं करेंगे फिर भी आपकी सांस फूलने लग जाएगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पलंग पर बैठे रहते हैं और थोड़ा सा खाली 2-4 कदम भी अगर चल लेते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो अगर अस्थमा बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है तो इस तरह से सांस फूलने की समस्या होने लगती है। वह व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा शरीर से कमजोर हो जाता है, दुर्बल दिखाई देने लगता है। तो अगर आपके फेफड़ों के अंदर इस प्रकार का संक्रमण है, आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर परहेज के साथ में उपायों को अप्लाई किया जाए तो 100% सांस की तकलीफ को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। हर मौसम के अकॉर्डिंग 2-2 रेमेडी बताऊंगी और उन 2-2 रेमेडी में से जो रेमेडी आपको अच्छी लगती है उसे करने के बाद आपको 100% आराम मिलेगा। इस श्वसन तंत्र की समस्या को बिल्कुल मामूली नहीं समझना है। अगर बच्चों को भी इस प्रकार का संक्रमण है तो बच्चे स्कूल के अंदर भी जाते हैं तो उनकी सांस बहुत ज्यादा फूलती होगी, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते होंगे, उनका बैग भी वो पूरी तरह से नहीं उठा पाते होंगे। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको आपके बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही समस्या सांस फूलने की जो दिक्कत होती है अस्थमा में बदल जाती है। और फिर आप रात को बच्चों को इनहेलर दे देंगे, सुबह फिर बच्चे वापिस ठीक
और फिर वापिस अपना काम करने लगता है। इनहेलर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वह आपके शरीर के अंदर और बीमारियों को पैदा करता है। तो इनहेलर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, रेमेडी को आप करिए। जैसे सर्दी का मौसम है और बहुत ही ज्यादा सांस फूल रही है, अस्थमा की दिक्कतें, आप इनहेलर का प्रयोग करते हैं और रात को सांस सबसे ज्यादा चढ़ता है, सांस बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, तो आपको क्या करना है, आप क्या करें, 2 से 4 पीन खजूर आती है, खजूर जिसको आप उसको साफ करके उसके अंदर से बीज को निकाल लीजिए। गाय का दूध होना चाहिए, देसी गाय का, उसे आप 1 ग्लास दूध लीजिए और गर्म करने के लिए रखिए। 4 पीन खजूर अगर आपने लिए है तो उसके बीज को निकाल करके उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए और दूध के साथ में डाल करके उसे तब तक पकाना है जब तक कि खजूर जो है उसके अंदर अच्छे से पक ना जाए। इसके अंदर आपको 1/2 छोटा चम्मच सोंठ का पाउडर डालना है, यानी कि खजूर को भी डालना है और सोंठ के पाउडर को भी डालना है। अब दूध को इतना बॉईल करना है कि वह 1 कप दूध रह जाना चाहिए। सोंठ और पीन खजूर दोनों ही दूध के अंदर अच्छे से पक जानी चाहिए और दूध कौन सा, देसी गाय का, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, जब बच्चा सो रहा है या कोई बड़े व्यक्ति है, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई भी हो, अगर किसी को भी सांस फूल रही है, सांस की समस्या है, अस्थमा है, आपको क्या करना है, सोते समय पर उसका सेवन करना है, बिल्कुल धीरे धीरे से उन्हें चबा चबा कर खाना है और फिर उस दूध को धीरे धीरे घूट घूट करके पीना है। इसे अगर आपने लगातार 15 दिन भी कर लिया तो आपकी अस्थमा की दिक्कत जड़ से साफ हो जाएगी, जो सांस बहुत ज्यादा फूलती है वह बिल्कुल सही हो जाएगी। इस उपाय को करके देखिए, 100% आराम मिलेगा। अब दूसरा उपाय सर्दी के मौसम का और कौन सा है, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय और मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर बना रखे, लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वह दो उपाय ही आपको बताऊंगी। आपको 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है और उसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच सोंठ का पाउडर डालना है और चुटकी भर आपको हल्दी डालनी है, हल्दी का पाउडर। हल्दी यहाँ पर आपको घर की पिसी हुई लेनी है, क्योंकि बाजार की हल्दी भी एलर्जी पैदा कर देती है और बीमारियों को पैदा कर देती है, तो आपको घर पर हल्दी की गांठ लाकर उसका पाउडर बना लेना है और फिर उसका चुटकी भर पाउडर डालना है। सोंठ और हल्दी दोनों ही कफ को बिल्कुल खत्म करती है, एलर्जी को बिल्कुल खत्म करती है, निमोनिया को बिल्कुल ठीक करती है, लंग्स को बिल्कुल साफ करती है और अगर आपको सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 100% रेमेडी इफेक्टिव है, आप इसको कर सकते हैं। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसको छान लीजिए और 1 कप पानी को आप धीरे धीरे करके घूट घूट करके पीजिए। ये भी सोते समय करना है ताकि आपको गर्माहट मिले और कफ बलगम साफ हो जाए और फिर जो आवाज आ रही है सीने के अंदर से सांस लेने की वह बिल्कुल खत्म हो जाए, जो आपको फेफड़े पूरी तरह से जमा हो चुका है उसके अंदर कफ वह मेल्ट होने लग जाए। तो रात को सोते समय इस उपाय को करना है। दोनों ही सर्दी के उपाय बहुत ज्यादा यूजफुल है, कोई सा भी आप अप्लाई करिए, आपको आराम मिलेगा, अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम की, कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है लेकिन फिर भी आप काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सांस फूलती है और बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, तो कौन सी ऐसी रेमेडी है जो गर्मी के अंदर आपको करनी चाहिए। 1 कप आपको गर्म पानी करने के लिए रखना है और आपको 4 से 5 दाने दाना मेथी के लेने हैं और उनको उसके अंदर डाल देना है। दाना मेथी पके इतनी देर तक आपको पानी को बॉईल करना है और फिर उस पानी को छान करके आपको रात को सोते समय पर इसको ले लेना है। आप देखेंगे कि दाना मेथी का पानी आप पियेंगे, थोड़ा सा कड़वाहट जरूर रहेगी उसके अंदर, लेकिन यह आपके कफ को साफ कर देगा, एलर्जी को खत्म कर देगा और इनहेलर लेकर अगर आप सोते हैं तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्थमा बिल्कुल ठीक होने लगेगा। तो ये काफी सारी बीमारियों पर काम करता है, लेकिन अगर अस्थमा किसी का बहुत ज्यादा क्रोनिक हो चुका है तो इस उपाय को आप करिए। दाना मेथी का पानी गर्मी के मौसम में रात को सोते समय ले लीजिए, अगर अस्थमा है तो साफ हो जाएगा। दूसरी रेमेडी जो गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही अनुकूल है वह है 1 कप पानी आपको गर्म करने के लिए रखना है, 4 से 5 आपको तुलसी के पत्ते तोड़ करके डाल देने हैं पानी के अंदर साफ करके और चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देना है। हल्दी भी कफनाशक होती है, तुलसी एलर्जी को खत्म करती है, कफ को खत्म करती है और गर्मी में दोनों से कोई नुकसान नहीं होता है, यानी आपके शरीर में और गर्माहट को नहीं बढ़ाएगा। तो हल्दी और तुलसी दोनों को ही पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए, 1/2 कप पानी जब ये रह जाए तो इसे भी रात को सोते समय पर लीजिए।
आपका अस्थमा बिल्कुल ठीक होने लगेगा। तो गर्मी के मौसम के अनुकूल ये दोनों रेमेडी काफी ज्यादा यूजफुल होती है। इसे करके आपको इनहेलर की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि अस्थमा जड़ से साफ हो जाएगा, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बारिश के मौसम की। तो बारिश के मौसम में एक तो रहता है मौसम ठंडा और व्यक्ति खाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता है, जिसके कारण कफ दोष और ज्यादा बिगड़ने लगता है और फिर आपका पाचन उस मौसम में सबसे ज्यादा बिगड़ता है। अब आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि सांस भी ना फूले और आप कुछ खा पी भी पाए? तो आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन आपको डालना है और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब एक कप पानी ये रह जाता है तो इसी रात को सोते समय पर लेकर सो जाइए। ये अजवाइन का पानी आपके कफ दोष पर काम करेगा, आपकी एलर्जी को खत्म करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और अस्थमा की वजह से आप जो इनहेलर लेते हैं वह छूट जाएगा। तो यह उपाय आप करिए बारिश के दौरान। अगर बारिश के दौरान बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है तो अदरक का पानी भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। आपको क्या करना है, एक कप पानी रखना है, उसके अंदर आपको छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, उसे कद्दूकस करके डाल देना है। अदरक का पानी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन आपके अस्थमा की दिक्कत है, इनहेलर लेना पड़ता है तो वह छूट जाएगा। अदरक के पानी को लगातार 15 दिन तक ले लीजिए। बारिश के दौरान इसे लेने से शरीर में ऊर्जा लेवल हो जाता है अच्छा, पेट पूरी तरह से साफ होने लगता है, पाचन सही ढंग से काम करने लगता है, शरीर के दर्द खत्म होने लगते हैं, कफ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस उपाय को बारिश के दौरान करिए। अगर अस्थमा है तो दो दो रेमेडी जो मैंने आपके मौसम के अकॉर्डिंग बताई है, उनमें से कोई सी भी रेमेडी आप करेंगे आपको फायदा ही मिलेगा। बच्चे हैं तो बच्चों को भी ये उपाय आप करवाइए ताकि बच्चे इनहेलर ना ले, साधारण तरीके से बच्चे बिल्कुल ठीक हो सके। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की दिक्कत होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिससे कि अस्थमा कंट्रोल में रहे। यानी गुड़ का सेवन उनको करना चाहिए, गर्म पानी उनको लेते रहना चाहिए, गरारे उनको करते रहना चाहिए, स्टीम उनको लेते रहना चाहिए। भाप लेने से भी सारा कफ बलगम साफ होता है और सांस की तकलीफ दूर होती है, साइनस बिल्कुल ठीक होता है और जो कफ बलगम यहाँ पर जमने लगता है वह धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगता है। मसाज लेनी चाहिए और गरम गरम सूप पीने चाहिए। अगर आप इस तरह से कुछ चीजों को भी अपनी डाइट के अंदर रखते हैं, कुछ चीजें करते रहते हैं, तो आपका अस्थमा आप घर पर ही बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कोई सी भी रेमेडी करें, परहेज बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है, कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता है, तो आपको क्या करना है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, अचार का सेवन नहीं करना है, पैकेट वाले आइटम नहीं खाने हैं और ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें नहीं खानी है जो कि कफ दोष को और ज्यादा असंतुलित कर दे। जिस खाने से कफ बढ़ जाए ऐसी चीजें नहीं खानी है। अगर आपने थोड़ा सा परहेज किया तो सारे के सारे उपाय आपको काम करेंगे। घर पर नेचुरल तरीके से आप अस्थमा की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अस्थमा दमा तो दम लेकर के टूटता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रवृत्ति को समझ जाते हैं कि किस कारण से रोग आया है और उसे आप ठीक कर लेते हैं तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो परेशान नहीं होना है, बस कुछ उपायों को सही ढंग से अप्लाई करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी यूजफुल लगी है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।